इज कॉल्ड के मैप. जी हाँ, और कौन कौन से स्टेप्स हमने के मैप में कवर किए थे. हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ टू वेरिएबल और अ थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल के मैप, एंड हाउ विल यू प्लेस द गिवन मिन टर्म और मैक्स टर्म इन अ पर्टिकुलर के मैप. राइट, इन द सिमिलर मैनर हम इस लेक्चर में नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे. द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप इज कॉल्ड ग्रुपिंग, एंड देन आफ्टर ग्रुपिंग जब हम ग्रुप बना लेंगे मिन टर्म्स और मैक्स टर्म जो हमने प्लेस करी हैं उनके अंदर, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ विल राइट द एक्सप्रेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर के मैप. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, दैट इज के मैप ग्रुपिंग और एक्सप्रेशन कैसे करते हैं. सो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन के मैप, दैट इज रिप्रेजेंटेशन, प्लेसिंग, आफ्टर दैट ग्रुपिंग एंड देन सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन. तो ऑलरेडी वी हैव डन दीज टू स्टेप, रिप्रेजेंटेशन और प्लेसिंग हम लोगों ने कर लिया है. नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्स टू द ग्रुपिंग स्टेप. अगर मैं ग्रुपिंग की बात करूं तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल के लिए रिप्रेजेंटेशन देखा था, अब मैं इसी लेक्चर में उन्हीं तीन टाइप की कैटेगरी के लिए ग्रुपिंग देखेंगे, देन वी फॉर्म द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन. राइट, सो ग्रुपिंग का यहां पे मतलब क्या है. सो ग्रुपिंग टू वेरिएबल के मैप की अगर मैं बात करूं तो वी हैव सीन टू वेरिएबल के मैप व्हिच हैव ओनली फोर ब्लॉक्स. राइट, अब ग्रुपिंग के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं कि ग्रुपिंग होती है आपकी टू की पावर्स में. राइट, इन पावर ऑफ टू, इन पावर ऑफ टू की में ग्रुपिंग होगी. राइट, टू की पावर जीरो यानी कि सिंगल, टू की पावर वन यानी कि टू, टू की पावर टू यानी कि फोर, टू की पावर थ्री यानी कि एट, टू की पावर फोर यानी कि 16. राइट, टू की पावर फाइव यानी कि 32. सो इस तरह से टू की पावर्स में जितने वंस होते हैं, ग्रुपिंग हम किसकी कर रहे हैं, ग्रुपिंग हम करेंगे मिनटम या मैक्सटम जो भी आपने के मैप में प्लेस किया है, आइदर वंस और जीरोस, उनकी ग्रुपिंग करनी है. ग्रुपिंग का मतलब उन्हें साथ में कंबाइन करना है. तो मैं कैसे साथ में कंबाइन करूंगा, सपोज मेरे पास यहां पे एक वन है, यहां पे एक वन है, यहां पे एक वन है, तो मैं इनको कैसे कंबाइन करूं. तो उस ग्रुपिंग के लिए रूल है कि आपको टू की पावर्स में, यानी आप दो को एक साथ जोड़ सकते हैं, चार को जोड़ सकते हैं, आठ को जोड़ सकते हैं, 16 को जोड़, बट ऐसा नहीं है कि आप थ्री वंस को एक साथ जोड़ सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए ग्रुपिंग हमेशा कितने की पावर्स में करनी है, टू की पावर्स में. अब टू की पावर्स में जो ग्रुपिंग होती है, इनको कई बार नाम भी दिया जाता है, जैसे 16 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हेक्स कॉम्बिनेशन, 8 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ऑक्ट कॉम्बिनेशन, 4 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्वाड कॉम्बिनेशन, 2 के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं दैट इज अ पेयर, और जो सिंगल रह जाता है दैट इज कॉल्ड अ सिंगल, जिसका किसी के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपको टू की पावर्स में ग्रुप बनाने हैं. द सेकेंड रिक्वायरमेंट, ग्रुपिंग जो होती है वो एडजेसेंट ब्लॉक में होती है. जी हाँ, एडजेसेंट ब्लॉक्स. राइट, अब एडजेसेंट ब्लॉक क्या होते हैं, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो ये जो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक अपने कौन से ब्लॉक के साथ एडजेसेंट है, जिसके साथ ये पूरी की पूरी वॉल टच करता है, यानी कि ये साइड वाला ब्लॉक जिसके साथ ये पूरी वॉल टचिंग कर रहा है, इसलिए दोनों एडजेसेंट है. सिमिलरली ये ब्लॉक अपने नीचे वाले ब्लॉक के साथ भी एडजेसेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी वॉल आपकी टच कर रही है. बट वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये जो मेरा ब्लॉक है, दिस ब्लॉक ऑन दिस ब्लॉक, अगर हम इन दोनों ब्लॉक की बात करें विच आर रिप्रेजेंट इन द ग्रीन टर्म, तो ये दोनों टर्म क्या, ये दोनों ब्लॉक क्या, कैसे जो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, दीज आर कनेक्टेड विद द कॉर्नर, बाय कॉर्नर कनेक्टिंग है, तो यहां पे कोई वॉल टचिंग नहीं है, तो दैट मीन्स दीज आर नॉट एडजेसेंट ब्लॉक. तो मैं इन दोनों में ग्रुपिंग पेयरिंग नहीं कर सकता. तो पेयरिंग कहां पे होगी, एडजेसेंट ब्लॉक में होगी. और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइंस होती हैं, दिस इज द लाइन एंड दिस इज द लाइन, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं. मींस अगर मैं टू वेरिएबल के मैप की बात करूं तो इस टू वेरिएबल के मैप में यहां जो वन है और यहां जो वन है, ये तो आपस में जुड़ सकते हैं, बट ये लाइन अभी आप आगे चल के देखेंगे यहां पर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, बट दीज टू लाइन्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टूगेदर, मीन्स दिस के मैप इज इन टर्म्स ऑफ फोल्डेड वन. राइट, इसी तरह से ये जो अपर लाइन होती है, ये भी इस लोअर लाइन के साथ फोल्डेड होती है, मतलब कनेक्टेड होती है. तो एक तरह से हम ये भी कहते हैं जहां पे जब ब्लॉक नंबर आपके ज्यादा बढ़ेंगे, सपोज यू हैव अ थ्री वेरिएबल के मैप, ब्लॉक आपके ज्यादा हो गए, 8 ब्लॉक हो गए, सो दैट टाइम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एडजेसेंट कौन कौन है. जी हाँ, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एडजेसेंट मेरा ये नीचे वाला ब्लॉक भी है. राइट, इसके साथ वाला ब्लॉक भी एडजेसेंट है, और इसी ब्लॉक का एडजेसेंट ये ब्लॉक भी है. राइट, क्योंकि ये वॉल और ये वॉल आपस में टचिंग होती है. राइट, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट ब्लॉक, जो यहां में प्रेयरिंग या ग्रुपिंग में यूज करना होता है, और पावर हमेशा टू की पावर्स में होगी. ग्रुपिंग ये हमारा पहला स्टेप था. नाउ
अब अगर मैं बात करूं ग्रुपिंग करनी कैसे है, तो दो ग्रुपिंग के रूल्स मैं देख चुका हूं कि ग्रुपिंग टू की पावर्स में होती है और एडजेसेंट ब्लॉक में होती है। नाउ अब यहां पे मैंने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के तौर पे वंस को प्लेस कर दिया है, बिकॉज ये मानते हुए कि जब आपको क्वेश्चन आएगा, सपोज इफ यू हैव गिवन क्वेश्चन 0, 1, 2, 3, राइट, मिन टर्म्स है, टू वेरिएबल के मैप है, तो आप टू वेरिएबल के मैप बना के ये मिन टर्म्स तो यहां पे प्लेस कर लेंगे। दिस इज बाय वन, मैं यहां पे एक्चुअली इम्फेसिस दे रहा हूं ऑन ग्रुपिंग, आगे हम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन, बट फिलहाल मैं केवल आपको ग्रुपिंग पे एम्फेसिस दे रहा हूं कि ग्रुपिंग किस तरह से करनी है, राइट। सो अब यहां पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल कंसीडर किए हैं जहां पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट वंस हमने प्लेस कर लिए, तो हर एक सिचुएशन में ग्रुपिंग किस तरह से होगी, लेट्स सी दिस। तो अब हमें पता है ग्रुपिंग होती है टू की पावर्स में और एडजेसेंट ब्लॉक में, राइट। अब दूसरी जो चीज यहां पे स्टार्टिंग में सबसे पहले याद रखी जाएगी वो ये कि आपको ग्रुप बड़े से बड़ा बनाना है, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब सिंगल सिंगल वन ही छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा हमें ये देखना है कि हम बड़े से बड़ा कितनी वंस को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, राइट, ज्यादा से ज्यादा, बट उतने ही नंबर ऑफ ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो वो कम से कम बनाना है, राइट। ये दो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप को बड़े से बड़ा बनाना है, यानी ज्यादा से ज्यादा वंस को मुझे एक साथ क्लब करने की कोशिश करनी है, और दूसरा कि नंबर ऑफ ग्रुप्स यानी इस तरह की जो मैं ग्रुपिंग करने जा रहा हूं उन्हें कम से कम रखना है, राइट। तो अगर मैं टू वेरिएबल के मैप में यहां से स्टार्ट करता हूं, तो टू वेरिएबल में आपके पास चार ब्लॉक हैं, यानी चारों ब्लॉक में अगर वन हो गए उस केस में आपको एक पेयर मिलता है, दैट इज कॉल्ड द फोर कॉम, फोर को आपने एक साथ क्लब कर दिया, आपने बना दिया एक क्वाड, राइट। सो दैट मींस इसमें मैंने बड़े से बड़ा अगर मैं पेयर की बात करता हूं, तो बड़े से बड़ा टू वेरिएबल के अंदर मैं कितने का ग्रुप कर सकता हूं, ओनली एंड ओनली फोर टर्म्स, राइट। तो मैं बड़े से बड़ा पेयर चार ही बना सकता हूं, नहीं क्वाड ही फॉर्म कर सकता हूं इन अ टू वेरिएबल के मैप, कब, जब मुझे चारों मिनटम गिवन हो। अब केस ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास चारों मिनटम गिवन ना हो, आपके पास इस तरह से मिनटम गिवन है, तो जब इस तरह से मिनटम गिवन है, सबसे पहले मैंने देखा क्या मैं चार का ग्रुप बना सकता हूं, जी नहीं, मैं चार का ग्रुप नहीं बना सकता, दिस टाइम फोर इज नॉट एप्लीकेबल। तो अब चार के बाद कौन सा मिनिमम आएगा, चार के बाद आएगा टू, राइट, बिकॉज इट इज अ टू वेरिएबल के मैप, तो इसके अंदर हम या तो चार का बना सकते हैं, उसके नीचे बना सकते हैं, तो अब इस मैप में चार तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो अब मैं क्या कंबाइन करना शुरू करूंगा, अब मैं कंबाइन करना शुरू करूंगा दो दो मिनटम्स को, राइट। तो सबसे पहले मैंने दो मिनटम कौन सी क्लब कर सकता हूं, सबसे पहले मैं दो मिनटम क्लब कर सकता हूं लाइक दिस, तो मैं ये दो मिनटम क्लब कर लिया, तो मेरा एक पेयर बन गया, हमने दो मिनटम को क्लब करा, एक पेयर हमारा फॉर्म हो गया। अब क्या करें, अब करें, अब हमारे पास पेयरिंग हमें किसकी करनी है, अगर आप यहां पे देखेंगे आपने एक पेयर फॉर्म कर लिया, अब पेयरिंग मुझे किसकी करनी है, इस वंस की करनी है, राइट। तो अब एक सेकंड के लिए हम हमेशा ये काम, अभी आप आगे देखेंगे, अभी तो जस्ट फर्स्ट लिसनिंग कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज ग्रुपिंग में क्लियर होगी। ग्रुपिंग में हमने जिस पेयर को यूज कर लिया, अभी एक सेकंड के लिए मैंने इस पेयर को छोड़ दिया, अब मेरे पास बची हुई टर्म कौन सी है, बची हुई टर्म मेरे पास ये वन है, मुझे इसका पेयर ढूंढना है। अब अगर मैं इसका पेयर ढूंढूं तो ये किसी के साथ क्लब नहीं हो रहा, किसके साथ क्लब हो रहा है, यूज मिन टर्म के साथ, अगर जो ऑलरेडी पेयर हो चुकी है, अगर मैं इसका पेयर उसके साथ एड ऑन कर दूं, राइट, इस वन को मैं इसके साथ एड ऑन कर दूं, तो जो वन मेरा सिंगल रह जा रहा था उस वन को हम यहां पे ग्रुप कर सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बोला था कि ग्रुप मुझे ज्यादा से बड़े से बड़ा बनाना है, बट नंबर ऑफ ग्रुप्स कम से कम बनाने हैं, राइट। तो अगर मैं यहां पे सिंगल वन छोड़ देता हूं तो मेरा ग्रुप तो कम रह गया ना, मतलब इन अमाउंट मेरा ग्रुप बड़ा नहीं बन पाया, जबकि यहां पे इस यूज्ड वन को यूज करके मेरा ग्रुप बड़ा बन सकता है, तो मैं इस यूज्ड वन को यूज करूंगा, और जिससे कि मेरा ग्रुप जो है वो बिगर इन साइज हो जाए, राइट। तो दीज आर द रूल्स टू मेक द ग्रुप की हमेशा एडजेसेंट ब्लॉक में जाना है, टू की पावर्स में जाना है, कब हम यूज मिन टर्म को यूज करेंगे, वो सब चीज अभी बहुत अच्छे से आपको आगे क्लियर होगी, बट कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने कोई पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म कर लिया तो उसके बाद उस ग्रुप की मिन टर्म्स को भूल जाइए, जो बची हुई मिन टर्म्स हैं जिनका पेयर आपने नहीं किया है उनकी पेयरिंग मुझे ढूंढनी है कि वो किसके साथ क्लब हो सकते हैं। अब जब वो जिसके साथ क्लब हो सकते हैं तो अगर वो यूज करी हुई टर्म है तो मैं उस यूज करी हुई टर्म को उसके साथ क्लब करूंगा एंड देन आई विल फॉर्म द ग्रुप, गॉट इट। तो अभी बहुत सारे सिचुएशंस हमें देखनी है जहां पे आप लोग ये ग्रुपिंग देखेंगे। सपोज मैं बात करता हूं, नाउ दिस इज द सिचुएशन, तो यहां पे केवल दो ही वंस अवेलेबल है, तो चार का तो बन नहीं सकता, डायरेक्टली किसका बनेगा, किसका ट्राई करेंगे हम, टू का ट्राई करेंगे, तो यहां पे पेयर बन सकता है, जी हां, ये दोनों टर्म एक साथ क्लब हो सकती है, आई गॉट वन पेयर। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, तो यहां पे भी ये दोनों मिनटम एक साथ क्लब हो सकती हैं, आई गॉट अ पेयर। इफ आई टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, देन यहां पे क्या हो रहा है, अब क्या मैं यहां ग्रुपिंग कर सकता हूं, क्या ये दोनों ब्लॉक एडजेसेंट हैं, जी नहीं, दोनों ब्लॉक एडजेसेंट
नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि when the blocks are only corner touch, तो ये दोनों ब्लॉक केवल कॉर्नर टच हैं, तो यहां पे ये आपस में पेयरिंग नहीं कर सकते। तो इन दैट केस यहां पे मुझे केवल दो ही वंस अवेलेबल हैं और वो आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती। दैट मींस व्हाट? दैट मींस यहां पे पेयर बनेगा 2 की पावर 0 यानी कि सिंगल। तो ये वैल्यूज आपकी सिंगल रह जाएंगी, ये आपस में क्लब नहीं हो सकती, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशन जहां पे आपके, और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन मैं कहूंगा कि टू वेरिएबल के मैप के अंदर जिस तरह से आप यहां पे वंस प्लेस करेंगे तो उन्हें पेयरिंग किस तरह से करनी है, राइट? जस्ट टेक अनदर एग्जांपल सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन जाए। नाउ लेट अस टेक द ग्रुपिंग इन 3 वेरिएबल के मैप, राइट? सो 3 वेरिएबल के मैप, वी नो ऑल द रिप्रेजेंटेशन, और मैंने यहां पे मानते हुए कि हम रिप्रेजेंटेशन और प्लेसिंग कर सकते हैं, आई हैव पुट सम ऑफ द सिचुएशन ओवर हियर। सो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट केस। अब यहां पे आपके पास 8 के 8 वंस अवेलेबल है, डैट मीन्स आई कैन फॉर्म 1 सिंगल ऑक्ट और ये हमारा एक सिंगल पेयर बन सकता है, यानी कि सारी की सारी 8 टर्म्स आपस में क्लब हो गई, राइट? कंसिडर द सेकेंड लोकेशन, अगर इसकी बात करें तो यहां पे 4 वंस हैं और ये 4 वंस भी एक साथ हैं, यानी अगर मैं चारों को क्लब कर दूं, आई कैन मेक अ पेयर ऑफ 4, सो दीज कैन बी कनेक्टेड विद टुगेदर, सो हमारे पास एक पेयर फॉर्म होगा, दैट इज इक्वल टू क्वाड। लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन। सपोज यहां पे सिचुएशन है, यहां पे भी आपको 4 वंस अवेलेबल हैं, तो क्या मैं 8 की पेयरिंग कर सकता हूं? 8 का नहीं बनेगा। फिर 4 का देखिए, जी हाँ, ये 4 वंस एक साथ क्लब हो सकते हैं और हमें एक पेयर मिल जाएगा, अ क्वाड, राइट? कंसिडर दिस सिचुएशन, राइट? और ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो ब्लॉक होता है, ये जो ब्लॉक लाइन है, ये ब्लॉक लाइन और ये ब्लॉक लाइन आपकी क्या होती है? कनेक्टेड होती है। दिस इज अ फोल्डेड केस लाइक, ठीक है? सो यानी कि ये दो जो वंस हैं, इन दोनों का एडजेसेंट कौन है? इन दोनों का एडजेसेंट ये दोनों ब्लॉक हैं, तो ये चारों वंस भी एक साथ क्लब हो सकती हैं, एंड हियर वी विल अगेन शो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मिनटम्स, यानी कि अगेन हमारा क्वाड ही फॉर्म हो रहा है, राइट? बिकॉज दीज आर एडजेसेंट। बट अगर मैं इस सिचुएशन की बात करता हूं, तो नाउ आई हैव ओनली 2 मिनटर्म्स ओवर हेयर, तो ना मैं यहां पे 8 का फॉर्म कर सकता, ना मैं 4 का फॉर्म कर सकता, मैं कौन सा फॉर्म करूंगा? जी हाँ, क्या ये दोनों मिनटर्म्स एक साथ क्लब हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं, बिकॉज दीज टू ब्लॉक्स आर एडजेसेंट ब्लॉक, तो ये दोनों मिनटर्म्स आपकी एडजेसेंट फॉर्म हो जाएंगी एंड वी विल गेट अ पेयर, राइट? सिमिलरली दिस इज द लास्ट सिचुएशन इन 3 वेरिएबल, तो अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो क्या ये दोनों वंस एक दूसरे के साथ क्लब हो सकते हैं? जी नहीं, ये दोनों वंस एक दूसरे के साथ क्लब नहीं हो सकते, बिकॉज ये दो ब्लॉक एडजेसेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग इट एज अ सिंगल वंस, राइट? सो दिस इज द वे कि हम किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं, एडजेसेंट नंबर्स कहां हैं, उन्हें किस तरह से हम क्लब कर सकते हैं। बट ग्रुपिंग का फंडा एक ही है, ज्यादा से ज्यादा वंस जैसे क्लब हो सके उन्हें करना है और कम से कम ग्रुप फॉर्म करने हैं, राइट? और पेयरिंग हमेशा 2 की पावर्स एंड एडजेसेंट ब्लॉक। सिमिलरली चलिए देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप, तो दीज आई हैव टेकन सम सिचुएशन इन द 4 वेरिएबल के मैप। सो अगर आपको पहली फर्स्ट सिचुएशन गिवन है, सपोज ऑल द मिन टर्म्स आर गिवन ओवर हियर, दैट मींस ऑल 16 कैन बी जॉइंट टुगेदर, तो 4 वेरिएबल में जो मैक्सिमम बड़े से बड़ा पेयर बन सकता है वो कितने का बन सकता है? जी हाँ, वो 16 का बन सकता है व्हेन ऑल द 16 टर्म्स आर अवेलेबल। सो दिस इज वन ग्रुप, दिस इज कॉल्ड हेक्स, राइट? अब अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें, तो नाउ दिस इज, दीज आर ओनली 8 मिनटम्स, यहां पे केवल मुझे 8 मिनटम्स गिवन है ना, 16 नहीं है ना, तो 16 का नहीं बन सकता। क्या 8 का फॉर्म हो सकता है? नहीं, सारी मिनटम्स अगर कनेक्ट हो जाए आपस में तो कितने का फॉर्म करेंगी? 8 का ग्रुप। तो क्या 8 का ग्रुप फॉर्म हो सकता है? ऑक्ट फॉर्म हो सकता है? जी हाँ, ऑक्ट फॉर्म हो सकता है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि ये के मैप में दिस वॉल एंड दिस वॉल इज कनेक्टेड टुगेदर, लाइक दिस वॉल एंड दिस वॉल इज कनेक्टेड टुगेदर, तो एक फोल्डेड सीक्वेंस होती है। तो ये जो पूरी की पूरी ब्लॉक लाइन है, ये पूरी ब्लॉक लाइन आपकी इस ब्लॉक लाइन के एडजेसेंट है, सो यहां पे आपका ऑक्ट फॉर्म हो जाएगा, दीज टू विल बी कनेक्टेड टुगेदर, राइट? सिमिलरली इन दिस सिचुएशन अगेन वी कैन फॉर्म अ ब्लॉक ऑफ 8, तो वी कैन फॉर्म अ ब्लॉक ऑफ 8, लाइक दिस इज द सिचुएशन। नाउ अब इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप इस सिचुएशन को सोचें कि इसमें क्या पेयरिंग हो सकती है, तो सबसे पहले मुझे कौन से 4 वंस एक साथ दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, दीज 4 वंस आर 1 टुगेदर, राइट? तो यहां पे मैं क्या बना दूंगा? यहां पे मैं क्वाड फॉर्म कर दूंगा। अब मेरे पास ये 4 केस बचे हैं, और अगर आप इन 4 केस को देखें, तो ये याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, दिस इज कॉल्ड द कॉर्नर केस। जी हाँ, के मैप के अंदर व्हेन द 4 कॉर्नर्स 4 वंस आर अवेलेबल, तो ये 4 कॉर्नर केस आपके एक साथ कंबाइन हो जाते हैं एंड इट विल फॉर्म अ क्वाड, राइट? तो ये 4 वंस आपके एक साथ कंबाइन होते हैं, दिस इज अ स्पेशल केस कॉल्ड कॉर्नर केस। नाउ
लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन. तो अनदर सिचुएशन में आता है वन वन ओवर हेयर ओवर हेयर ओवर हेयर ओवर हेयर. तो सबसे पहले यहां पे सोचिए, अगर आप अब तक समझ पा रहे हैं तो जस्ट पॉज अ वीडियो और इस सिचुएशन में सोचिए कि आप क्या पेयरिंग यहां पे फॉर्म करेंगे. क्या यहां पे 8 वंस 16 वंस हैं? नहीं है. 8 वंस हैं एक साथ? नहीं है. क्या 4 वंस आपस में क्लब हो सकते हैं? जी हाँ, 4 वंस क्लब हो सकते हैं. कैसे? दीज टू आर कनेक्टेड विद दीज टू. तो यहां पे एक पेयर फॉर्म हो गया, यानी कि एक क्वाड फॉर्म हो गया. एंड सिमिलरली दीज टू वंस आर कनेक्टेड विद दीज टू वंस. तो यहां पे आपका एक क्वाड फॉर्म हो सकता है बिकॉज दीज आर द एडजेसेंट वन. राइट, नाउ कंसिडर दिस सिचुएशन. अगर इस सिचुएशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने अब तक बताया है, सेम वे में सोचिए. क्या यहां पे 16 हो सकते हैं? नहीं. 8 हो सकते हैं? नहीं. 4 क्लबिंग हो सकती है? जी नहीं, यहां पे 4 भी क्लब नहीं हो सकते. 3 वन मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं बट 3 का पेयर नहीं बनता है. तो यानी कि यहां पे 4 का पेयर भी नहीं सकता, बन सकता, क्वाड नहीं बन सकता. सो आई विल स्टार्ट द पेयर ऑफ 2. राइट, सो सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक पेयर बना दिया एंड दिस इज द पेयर. राइट, मैंने ये पेयर बना दिया. अब आप इसकी पेयरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज आई मेक अ पेयर. राइट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिन वंस का आपने पेयर बना लिया उन्हें भूल जाइए. राइट, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है. पेयरिंग ढूंढिए हमेशा बचे हुए मिन टर्म्स की. तो अगर मैं बचे हुए मिन टर्म्स की पेयर ढूंढूं तो ये दो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों बची हुई मिन टर्म है. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका पेयर यहां पर फॉर्म कर सकता हूं. राइट, अब फिर से जिनको मैंने पेयरिंग कर ली उन्हें भूल जाना है. बची हुई मिन टर्म्स कौन सी हैं? ये दो मिन टर्म्स हैं, इनका पेयरिंग ढूंढना है. तो आप इन दोनों को आपस में क्लब कर सकते हो. तो मैंने इन दोनों को आपस में क्लब कर दिया. आई गॉट अ थर्ड पेयर. राइट, सो अब आप देखो कि बाय डूइंग दिस थिंग, फर्स्ट हमने ये क्लब किया, सेकेंड हमने ये क्लब किया, थर्ड हमने ये क्लब किया. आई गॉट अल्टीमेटली 3 नंबर ऑफ पेयर्स. राइट, नंबर ऑफ पेयर्स 3 है. बट इसमें गलती कहां होती है? इसमें कुछ ऐसे भी शुरुआत होती है कि लाइक किसी ने इसे ऐसे शुरू कर दिया, दिस इज द फर्स्ट पेयर. राइट, देन इसी वंस का यूज करके इस वन को क्लब करेंगे, दिस इज द सेकंड पेयर. राइट, बट मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं कि कभी भी इस तरह से नहीं देखना है. हमें हमेशा जिस पेयर को हमने क्लब कर लिया उसे भूल जाना है. उसके बाद ये वन मैं किसके साथ क्लब कर सकता हूं? ये वन मैं इसके ऊपर वाले के साथ क्लब कर सकता हूं बिकॉज इट इज अ फ्री मिन टर्म, नॉट ऑलरेडी यूज्ड. राइट, अब ये दोनों यूज हो गए तो आप इन दोनों को भूल जाइए. लेट्स डू दिस पेयर. इस मिन टर्म की इस वन को मैं किसके साथ क्लब कर सकता हूं? इस वन को मैं इस वन के साथ क्लब कर सकता हूं. सो जब इस तरह से थिंकिंग स्टार्ट करेंगे कि एक सेकंड के लिए यूज पेयर को भूल जाइए, आपको पेयरिंग केवल अनयूज मिन टर्म में देखनी है. राइट, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में मैं आपको यहां पर वन दे देता हूं. राइट, अब अगर यहां पे वन हुआ तो इस केस में ग्रुपिंग कैसे होगी? जी हां, अब सबसे पहले मुझे दिखाई देगा दीज फोर वंस आर कंबाइंड टुगेदर. राइट, ये चारों वंस का एक क्वाड बन रहा है, हमने बना लिया. राइट, अब बची हुई मिन टर्म्स के पेयर ढूंढने हैं. तो अब बची हुई मिन टर्म में आप देखेंगे तो ये दो वन क्या किसी और वंस के साथ क्लब होकर बड़ा बना सकते हैं? नहीं बना सकते. तो मैं इन दोनों को ही केवल क्लब करूंगा, दिस इज फॉर्म अ पेयर. अब बचा ये वन, तो ये किसके साथ क्लब हो सकता है? जी हां, ये इस यूज टर्म का यूज करने से ही बड़ा बन सकता है. तो मैं अब यूज टर्म का यूज करूंगा और इस पेयर को बनाऊंगा. सो यूज टर्म मुझे कब यूज करनी है? जब मेरे पास कोई अनयूज टर्म है और उसको मैं यूज टर्म के साथ पेयर बना के, ग्रुप बना के उसकी वैल्यू को बड़ा कर सकता हूं. राइट, तभी आप यहां पे यूज मिन टर्म को दोबारा से यूज करते हैं. तो आई होप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर बन गई होगी अब तक कि किस तरह से ग्रुपिंग की जाती है. यही ग्रुपिंग जब हम पूरे क्वेश्चन को एक साथ लेके देखेंगे, जहां पे हम एक्सप्रेशन भी लेके आएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली ग्रुपिंग कैसे करनी है. बट अगर मैं अब बात करूं अपने फाइनल स्टेप की, तो फाइनल स्टेप कहता है हमारा दैट इज एक्सप्रेशन स्टेप. और एक्सप्रेशन पे लाने के लिए मैंने यहां पे एक के मैप कंसिडर किया है, यहां पे प्लेसिंग भी कर दी है. और देखिए अब क्या, मैंने पूरी रिप्रेजेंटेशन को लिया है. व्हाट द वेरिएबल ए और बी ओवर हियर दैट रिप्रेजेंटेड बाय 00 01 11 एंड 10, देन 00 01 11 एंड 10 दैट इज द वेरिएबल सी एंड डी. राइट, तो सबसे पहले स्टेप हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन. दूसरा स्टेप हमारा हो गया व्हाट, दैट इज प्लेसिंग. नाउ द थर्ड स्टेप इज व्हाट, थर्ड स्टेप इज ग्रुपिंग. तो अब यहां पे ग्रुपिंग कैसे करूंगा? जी हाँ, दिस इज द फोर वेरिएबल के मैप. क्या यहां पे 16 का पेयर बन सकता है? जी नहीं, अभी 16 नहीं बन सकता. क्या यहां पे 8 वंस हैं? 8 वंस भी नहीं है. 8 का भी नहीं बन सकता. क्या 4 का बन सकता है? क्या क्वाड बन सकता है? कि 4 वन एक साथ हैं? जी हाँ, 4 वन एक साथ हैं. कौन कौन सी? ये दो वंस इन दो वंस के साथ क्लब होके एक 4 का पेयर बना देंगे. नाउ फिर वही चीज की दो जो मिन टर्म यूज हो चुकी हैं उनमें पेयरिंग नहीं ढूंढनी है, जो बची मिन टर्म है उसकी पेयरिंग ढूंढनी है. तो ये जो बचा हुआ मिन टर्म है 1, ये किसके साथ क्लब हो सकता है? जी हाँ, ये केवल और केवल इस 1 के साथ क्लब हो सकता है, यानी यही इसका पेयर बन सकता है और कोई इसका पेयर नहीं है. अगर यहां पर 1 नहीं होता तो इट विल बिकम अलोन, यहां पर सिंगल रह जाता.
राइट। अब बचा हमारे पास कौन सा वन, द लास्ट वन, इस वन को मैं किसके साथ क्लब कर सकता हूं? जी हाँ, ये वन आपका क्लब हो सकता है। इसका एडजेसेंट ब्लॉक कौन है? इसका एडजेसेंट ब्लॉक है दिस वन। तो यहां पे आपकी पेयरिंग होती है लाइक दिस, राइट। सो दिस इज द ग्रुपिंग स्टेप जहां पे आपको वंस को क्लब करना है, एंड वन ऑल द वंस आर कवर्ड, आपकी ग्रुपिंग यहां पे हो जाती है ओवर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सप्रेशन स्टेप, कि आपको एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, सबसे पहले इस रेड वाले फोर वाले ऑक्ट की पेयरिंग देखते हैं। तो इस फोर वाले ऑक्ट में हमने क्या देखा, दिस फर्स्ट रो इज यूटिलाइज एंड द लास्ट रो इज यूटिलाइज, राइट। और हमें पता है कि जब हम के मैप में मिन टर्म गिवन है, तो आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, मिन टर्म से हमने कहां से कैलकुलेट की थी, दैट इज कॉल्ड द सोफ फॉर्म, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से हमें क्या मिला था, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से हमें मिलती है मिन टर्म्स। तो यहां पे मिन टर्म से जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी सॉफ्ट फॉर्म में ही आएगा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ही आएगा। तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीरो रिप्रेजेंट व्हाट, जीरो रिप्रेजेंट ए बार बी, जीरो रिप्रेजेंट बी बार, जीरो रिप्रेजेंट ए बार, वन रिप्रेजेंट बी, जीरो रिप्रेजेंट वन रिप्रेजेंट ए, वन रिप्रेजेंट बी, वन रिप्रेजेंट ए बी, जीरो रिप्रेजेंट बी बार। सिमिलरली यहां पे भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सी बार डी बार, ये हो गया सी बार डी, ये हो गया सी डी, और ये हो गया सी डी बार। अब मैं यहां पे बात कर रहा था कि ये जो पहला पेयर हमने बनाया है फर्स्ट रो और फोर्थ रो को देख रहा है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन वेरिएबल कौन है। अगर आप इन दो वेरिएबल में कॉमन देखेंगे तो विच वन इज द कॉमन, जी हाँ, जो चेंज नहीं हो रहा वो है बी बार। तो इस रेस्पेक्टिव हमारा आंसर आया बी बार। नाउ डॉट, अब इसी तरह से सेम देखिए कॉलम के अंदर, तो ये दो कॉलम को कवर अप कर रहा है, इन दो कॉलम में कॉमन वेरिएबल कौन है जो कांस्टेंट चल रहा है, जी हाँ वो है सी बार। तो व्हाट इज द वैल्यू बिकम, बी बार सी बार, राइट। सो पेयर को हमें रो वाइज भी देखना होता है, कॉलम वाइज भी देखना होता है, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जो चेंज नहीं हो रही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर आंसर। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर पेयर के लिए रिजल्ट बन गया। नाउ फॉर द सेकेंड पेयर हम आंसर लिखेंगे प्लस करके, अब इन द सिमिलर वे अब इसका आंसर लिखिए। तो ये जो पेयर है ये दो रो को कवर कर रहा है, द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो। तो विच वेरिएबल इज कॉमन, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो चेंज नहीं हो रहा, जी हाँ दैट इज ए बार, राइट। तो ए बार हमने ले लिया। अब अगर हम कॉलम में देखेंगे तो कॉलम केवल फर्स्ट कॉलम यूज हो रहा है जहां पे दोनों ही वेरिएबल आएंगे, तो क्योंकि यहां पे सिंगल वेरिएबल सिंगल कॉलम यूज हो रहा है, तो सिंगल कॉलम का मतलब यहां पे सी बार डी बार एज इट इज आपको मेंशन करना है, राइट। सो जब एक से ज्यादा रो या कॉलम आ रहे हैं तो वहां हम कॉमन देखते हैं, कॉन्स्टेंट देखते हैं, और अगर सिंगल ही रो आ रही है तो उस केस में हम पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज ले लेते हैं, राइट। जैसे कि यहां पे एक्सप्रेशन है दिस इज वन, अब ये वन हमने किसके साथ क्लब किया था, दिस इज द वन क्लबिंग विद दिस। तो यहां पे केवल सिंगल रो आ रही है ना, अगर हम इस पेयर को देखेंगे तो इसमें केवल सिंगल रो यूज हो रही है, तो सिंगल रो का मतलब है कि ये ए बी बार तो हमारा आई गया, राइट। अब इन इस पेयर में कौन से दो कॉलम यूज हो रहे हैं, द फर्स्ट वन एंड द फोर्थ वन। तो फर्स्ट वन और फोर्थ वन में कौन कॉमन है, जी हाँ डी बार। तो ए बी बार एंड डी बार इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर। तीन पेयर थे, तीन एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुके हैं, दिस बिकम योर आंसर। सो दिस इज द वे हाउ वी विल गेट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फ्रॉम द के मैप। प्रेजेंटेशन जरूरी है, देन प्लेसिंग जरूरी है, ग्रुपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और आफ्टर ग्रुपिंग आप लोगों को लिखना होता है अपना एक्सप्रेशन। तो दिस इज इनकम्प्लीट ऑल द स्टेप्स ऑफ के मैप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के मैप पे और क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट हमें अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बन जाए कि जब आपको कंप्लीट क्वेश्चन गिवन है तो किस तरह से आप उसके रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।